नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विज्ञान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी सहोदर शंख जरूर रखते हैं। शंख बृंद नंद की चक्री शांगन धनवा गदा धरा रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रणायदा। इस प्रकार से भी कई बार आया है शंख का महत्व। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये भी आया है। यानी आप देखेंगे शंख का कितना ज्यादा महत्व है। तो ज्योतिषी आधार पर आध्यात्मिक पवित्र शंख के चमत्कारी रहस्य भी है। शंखचूर्ण नाम शिव ने जैसे दैत्य का वध किया था। शंख नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रच्छालन, शंख मुद्रा होती है। आयुर्वेद में भी शंख का भस्म की भी बहुत प्राचीन शंख लिपि भी हुआ करती थी। इस प्रकार से शंख के कई माने आरोग्य बिंदु आज तो दोष ही नहीं दूर करते हैं। शंख अगर घर में रखते हैं तो शंख दक्षिणावर्ती कई प्रकार के होते हैं। दक्षिणावर्ती होते हैं, लघु शंख होते हैं, ये सब जरूर पूजा पाठ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख पुण्य के ही योग से प्राप्त होता है। जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। प्रथम पहर में पूजन करने से मान सम्मान प्राप्ति, द्वितीय पहर में धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। शिव जी को छोड़ के सभी देवताओं पर शंख का जल अर्पित किया जा सकता है। और शंख बजाने से आपके घर का वास्तु ठीक होता है और एक पर्टिकुलर जगह तक एक घेरा बन जाता है, जिसको सुरक्षा घेरा कहते हैं। अगर आप रोज शंख बजाते हैं पूजन उपरांत, इससे आपके स्वयं के भी फेफड़े इत्यादि मजबूत होते हैं, श्वसन प्रश्वसन प्रक्रिया आपकी ठीक होती है। और इसी के साथ ही आप बहुत ही माइक्रोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म बहुत एक दूर के जगह पे आप उसको नष्ट भी करते हैं। साथ के साथ आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और धन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो शंख का इतना प्रभाव देखा जाता है, जरूर बजाना चाहिए प्रत्येक दिन। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, थोड़ा सा एक कदम एक बार मिले, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को लांघने की कोशिश में नेगेटिव थॉट बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपनी योजनाओं को अब क्रियान्वित करने की जरूरत है, प्लानिंग ना करके ज्यादातर करने की जरूरत है। आपके कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे, परिवार प्रसन्न होगा, चतुर्दिक प्रगति हो सकती है। आज आपको शंख के जल से अभिषेक करना चाहिए गणेश जी का। छह कांग गुलाबी रंग नीला रंग शुभ है। बात करते हैं वृषभ राशि की। समय बहुत ही अच्छा है, उत्थानकारी तरक्की होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा, चौतरफा लाभ की प्राप्ति भी होगी, माली हालत आपकी अच्छी होगी, आपको आरोग्य धन संपदा इत्यादि सबकी भी प्राप्ति हो सकती है। नए कार्य करने के आपको शुभ कार्य करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आज आपको मछलियों को दाना अगर हो सके तो संभव जरूर करिए। लाल और भूरा साथ के साथ एक का अंक, आत्मबल बढ़ेगा मिथुन राशि वालों। और आत्मबल बढ़ने से यानी मोटिवेशन स्वयं से आपके अंदर रहेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरा होने का समय आपका आ रहा है। एकेडमिक कैरियर भी आपका उत्तम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। नए कार्य को आप कर सकते हैं, दूसरों की बातों में ना आए, जरूर तरक्की करेंगे। तो आपको दो का अंक नारंगी रंग शुभ है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। मान सम्मान में अमूल चूल वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों, योजनाएं सफल होती हुई दिख रही हैं। कोई अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसको आज आप इग्नोर ना करें, उससे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास आपको होगा। गृह निर्माण रियल इस्टेट से संबंधित चीज़ें भी आपके पक्ष में धीरे धीरे आएंगी। बेलपत्र जल अर्पित करें भगवान शिव को, बहुत ही अच्छा रहेगा। सात का अंक सफ़ेद रंग शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, नए व्यवसाय, नए अवसर, नई चेतना, नई पॉजिटिविटी, मान सम्मान सबका योग बन रहा है। भूमि भवन से आपको
अच्छा लाभ होता होगा देखा जा रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त और प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है। गायत्री उपासना करेंगे आप, धीरे धीरे देखेंगे लाभ होगा। एकांक लाल रंग आज आपके लिए उत्तमता का परिचायक है। कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय, इसका प्रभाव उज्ज्वल समय और इस उज्ज्वलता में आपको मिलेगा लाभ, व्यापारिक लाभ भी आपको मिलेगा, चौतरफा लाभ मिलेगा, आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की कमी आपकी दूर होती हुई देखी जा रही है। रुके हुए कार्य भी आपके संपन्न होंगे, चिड़ियों को दाना खिलाइए, आप देखेंगे कैसे आपको अच्छा आनंद भी प्राप्त होगा। शीघ्र ही नौकांक शुभ है। तो हमने देखा छोटे छोटे उपाय, बात कर ले अब वृश्चिक राशि की। आज आपको व्यापार यदि कर रहे हैं उसका आपका दृष्टिकोण त्रिकोण एक फार्म हो जाएगा। उद्योग में कोई तीन लोग आपकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, तनाव में ना रहे, लेकिन इससे बचने की आपको जरूरत है। तनाव आपकी सोचने समझने की क्षमता को कुछ छीण कर सकता है और उसके ऊपर से गुस्सा भी। गाय को रोटी, गाय के सेवा आप करेंगे निश्चित रूप से, गुड़ खिलाएं, अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। आठ काम केसरिया रंग शुभ है। धनु राशि वालों, आज आपको भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, सीधी बात को सीधे तरह से समझ के सीधा जवाब देने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। मन को ध्यान में लगाइए, आपको लाभ होगा। हर व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा आप आक्रामक होने से बचें। पीले रंग के वस्त्र मंदिर में दान करें, यथाशक्ति द्रव्य दान करें। केसरिया रंग, पीला रंग, नौकांक, तीन कांक शुभ है। मकर राशि की बात करें तो आज आप अपने मन को नियंत्रित करिए, बहुत कठिन काम है लेकिन करना पड़ेगा। स्थिति को आपको अगर संतुलित रखना है तो बेवजह परेशान आप होते हैं। आज आप कोशिश करें कि कुछ जांच पड़ताल करके, अपनी पहले जांच पड़ताल करके सही काम को अंजाम दें। घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। काला रंग एक काम शुभ है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आपको अनियंत्रित गाड़ी इत्यादि चलाने से भी बचना चाहिए या भीड़भाड़ वाली जगह से जाने से बचना चाहिए। आय के साधन आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अज्ञात कारण, अज्ञात भय आपको दूषित कर सकता है कुछ समय। भाग्य से आपका लेकिन सारा कार्य संपन्न होता हुआ देखा जा रहा है। तीन पौधे और कोशिश करें, अगर तीन पीपल के पौधे आप लगा दें एक जगह तो बहुत अच्छा है। नौकांक सफेद रंग शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, अपने कर्म क्षेत्र में मिलता हुआ देखा जा रहा है। मीन राशि वालों, मान सम्मान में वृद्धि, नया व्यापार करने का आपको अवसर और इसी के साथ ग्रह निर्माण, अति संतोष की प्रवृत्ति भी आपका मन प्रसन्न कर सकती है। भगवान सूर्य की उपासना करना और आज नरसिंह देव का कवच जरूर सुने। पीला रंग ना तीन कांक आपके लिए शुभ है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 19 जुलाई 2023, द्वितीय तिथि का मान लगा है। आज भी पुष्य नक्षत्र का थोड़ा प्रभाव और बुधवार का दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष का भी प्रभाव पड़ रहा है आज। और शुभ समय 11:58 से 12:53 राहु काल 12:27 से 2:10 सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।